और नहीं चला जाएगा। हमारा खेमा और कितने दूर है? पानी नजर आ रहा है, इतनी हरियाली है तो जरूर आसपास पानी होगा। पता नहीं। दक्कन की ये मनोज जमीन है, हमें जिंदा निकल जाएगी और डकार भी ना लेगी। राजपुताना के रेगिस्तानों से भी ज्यादा खतरनाक है ये। काश शहजादे सलीम के लिए लड़ रहे होते। पता नहीं हमें पानी मिलेगा भी या नहीं। अगर आगे ना चले तो वैसे भी मरने वाले। हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो, चलो। कहाँ ढूंढे पानी? इन सूखी नदियों में या कोई खुदने का इंतजार करें? पानी उस तरफ है। चलो चलो, पानी उस तरफ है, आगे बढ़ो। हट हट, पानी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? अरे पानी मत पियो, पानी में कुछ है। अरे कोई हकीम को बुलाओ, ये दुश्मन की साजिश है। दक्कन की जमीन पर मुगलों को उनका पहला तोहफा तो हमने दे दिया। जंग जीतने की बात कर रहे हैं आप? यहां मेरी फौज प्यास से मर रही है और हमसे बैठे हैं ना मर्दों की तरह कुछ किए बिना। किसकी नजर लग गई हमें? हुजूर हम इजाजत लें। पानी की खोज बरकरार रखो और इस बार बहुत होशियारी से। जी हुजूर। खुद पर काबू रखिए शहजादे, आपसे ज्यादा कीमती हमारे लिए कोई नहीं। ये दुश्मन की एक चाल है। दुश्मन कहां है? दुश्मन या हम अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं? जंग चल रही है शहजादे, दुश्मन अपने हमले कर रहा है ना सही सामने से, और शातिर है वो चाहता है कि हम अंदर से टूट जाएं और वो बिना तलवार उठाए ये जंग जीत जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, यकीन रखिए। इतने से वक्त में इस नन्ही परी ने हमारे दिल पर ऐसा जादू कर दिया कि अब इसके बिना हमारा एक पल भी नहीं गुजरता। दीदी जी, हा? निशा दीदी आई है। निशा? अरे वाह, खबर दे देती, लेने चले आते। और निशा कैसी हो? अर्जुमन, भूभी तो आपसे मिलने आई है, दिखती है ना अबुल जैसी। भाईजान की बेटी, उन्हीं की तरह लगेगी। अम्मी हम इसे सुला दे। आपको पता है अर्जुमन, इस वक्त आपके अबूजान हमारे भाईजान कहाँ हैं? बहुत दूर मैदाने जंग में गए हुए हैं। पर आपको क्या पता कि जंग क्या होती है? कैसे समझाएं? बस इतना जान लीजिए कि वहां भी यही तारे टिमटिमाते हैं।
और यही चांद चमकता है। और इस चांद को देखकर आपके अब्बू जान आपको बहुत याद करते होंगे, आपकी अम्मी जान को याद करते होंगे। हमें कौन याद करता है? हमारे शौहर, आपके फूफा जान, उनकी बेगम हम नहीं, मैदाने जंग हमें कोई याद करने वाला नहीं। शायद आपके अबू जान के हुजूर शहजादे सलीम भी नहीं। लेकिन हमारा जंग का ऐलान करने का दिल ही नहीं, जबरदस्ती कैसे जंग कर ले हम? शहजादे, हमारी बातों पर गौर फरमाइए। तिजारत के लिहाज से गुजरात के सभी बंदरगाहों पर हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है। किसी भी कीमत पर आपके बागी चचेरे भाइयों से हमें जीतना है। हमें मिर्जाओं को सजा देना जरूरी है। हमें तो लगता है कि सजा हमें मिल रही है। यहाँ हमारे पसंद की कोई भी चीज अच्छी नहीं है, ना ही शराब और ना ही औरतें। जंग करने का दिल करे भी तो कैसे? गुस्ताखी माफ शहजादे, मगर आज आपको अपनी शराब पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि आज हमारी मुलाकात पुर्तगालियों के साथ होने वाली है। अब ये हमारे पुर्तगाली भाई कहां से पैदा हो गए? अब तक तो सिर्फ मिर्जा भाई थे ना? हुजूर, मिर्जा आपके चचेरे भाई हैं, जिन्होंने आपके साथ बगावत की है, और आज हमारी मुलाकात पुर्तगालियों के साथ है, जिनकी मदद से हम मिर्जाओं को हरा देना चाहते हैं। पुर्तगाली मिर्जा पुर्तगाली, किसको काट मारना है? ये सब इतना पेचीदा क्यों है? देखिए, सीधी बात है, आप पुर्तगालियों को मिर्जा भाइयों के साथ लड़वाइए, हमें अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है? ये लीजिए। हुजूर, ये सब इतना आसान नहीं है। पहले ही पुर्तगालियों को हमसे काफी छूट मिली हुई है, बस अब हम उन्हें और बढ़ावा नहीं देना चाहते। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है हुजूर, आज वो लोग इग्लिसिये बना रहे, कल हो सकता है कि हमारे लोगों का मजहब ही ना बदलने लगे। अगर हमने उनकी फौजों पर नजर नहीं रखी तो कल वो हो सकता है कि हम पे पलटवार कर दे और हमारे लिए एक नया दुश्मन पैदा हो जाए। ये परेशानी हमसे बांट कर आपको क्या मिला? अच्छा, तो आप सबसे पहले सबसे जरूरी बात का पता लगवाइए। हमारे जनाने की औरतें कब आ रही हैं? Yes, sir. हमने अर्जुमन को भाभी जान के पास सुला दिया है। आजा। बहुत खुश नसीब है भाभी जान, अर्जुमन जैसी खूबसूरत बच्ची हमने आज तक नहीं देखी। क्यों ना हो, अपनी फूफी पर जो गई है।
है ना बेगम? और नहीं तो। वो खबर मिली है कि राजपुताना में हमारी फौज राणा प्रताप की गर्दन तक पहुंच गई। हमें यकीन था कि अली कुली के साथ शहजादा सलीम इस बार जंग जरूर जीत लेंगे। आपके बेटे की भी तो ये पहली जंग है ना? बिल्कुल। निशा ये लो तुम्हारा मनपसंद गोश्त। अब मां बनने वाली हो, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगी तो कमजोर हो जाओगी। हम तुम्हारे शौहर को क्या जवाब देंगे? घबराने की जरूरत नहीं है अब्बू, हमारे शौहर कभी भी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हम कैसे हैं। उनके पास और भी जरूरी काम है। ऐसी बातें नहीं बोलते निशा। हमें क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। आपने इतने अच्छे घर में हमारा निकाह क्या कराया, हम तो सब सीख गए। हमने कितनी बार कहा कि रिश्ता जहां बना ने तय किया था, हम क्या कर सकते थे? कर तो हम रहे हैं अब्बू। आपने जहां बिठाया हमने वहीं निकाह कर लिया। अब हम उनकी अच्छी बीवी बन रहे हैं, उनके लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे हैं और अब आपको हमें कुछ भी सुनने सुनाने की जरूरत नहीं है। मार डाला, सबको मार डाला। हमारे एक भी जासूस को बख्शा नहीं उस मलिक कंवर ने। दक्कन की जमीन अपने मेहमानों को सलाम करती है। शहजादे दानियाल की खिदमत में हम कुछ नजराने भेज रहे हैं, पसंद आए तो इत्तला कीजिएगा और भिजवा देंगे। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना हमारे लिए बेहद जरूरी है। मलिक कंवर का सर चाहिए खाने का बगैर किसी देरी के। आप चुप क्यों हैं? हम भी यही चाहते हैं शहजादे, लेकिन मुश्किल यह है कि मलिक अंबर दक्खन के कोने कोने से वाकिफ है। उसे उसकी जमीन पर पकड़ना इतना आसान नहीं है। आपको ऐसे लफ्ज बोलते हुए शर्म नहीं आ रही खाने खान? और कितने बहाने बनाएंगे आप? हम शिकस्त की सूरत लेकर अब्बू के पास वापस नहीं लौटेंगे। ये बात आप याद रखिए, फौरन कार्रवाई कीजिए। तक लिया। अम्मी, हमारे लिए शरबत बना दीजिए, हमें प्यास लगी है। आ गया शहजादे महमूद का बुलावा। अब तो इसका निकाह करा दूंगी ताकि इसकी बीवी इसको भी संभाले और इसकी बकवास भी। अम्मी अम्मी, अर्जुमन को अंदर ले जाइए, इसकी नींद टूट जाएगी। अम्मी शरबत। भाईजान कैसे हैं? अरे तुम कब आई, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, कल रात को ही आई, लेकिन आप पूरी रात घर नहीं लौटे। अब क्या बताएं,
आजकल महल में इतना काम रहता है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है हमारे पास। जब से शहजादे खुसरो हमसे मिले हैं, वो हर रोज हमसे कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। बात है उस बच्चे में। खुर्रम कैसे? अरे वाह, क्या प्यार है। यही सवाल उसने भी हमसे पूछा जब हमने उससे कहा कि हम तुम्हारे भाई हैं। इन हमारी निशा कैसी है? पर बदनसीबी की बात यह है कि उस बच्चे के अलावा शाही महल में तुम्हारे बारे में कोई नहीं पूछता। बड़े बड़े सपने देख रही थी ना तुम शहजादी बनने के। और एक और बात, तुम्हें यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि पाशा बेगम ही नहीं बल्कि महल का हर शख्स ये मानता है कि हम में फूट फूट कर काबिलियत भरी पड़ी है। बस कुछ ही दिन और, उसके बाद हमारे पास तुमसे भी ज्यादा चाहने वाले होंगे। अच्छा, शायद हम ये जानते हैं कि आपके खास चाहने वाले कौन हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? ये मत भूलिए कि हम भी उसी महल में बड़े हुए। जो चीजें आप अब सीख रहे हैं उन्हें हम पीछे जरूर छोड़ाए मगर भूले नहीं। और उस शख्स का तोहफा हम कैसे भूल सकते हैं जिसके थप्पड़ से जनाने में हमारे पहले दिन की शुरुआत हुई थी। काफी होशियार है ना हम भाईजान? आप जानते भी हैं आप क्या कर रहे हैं। निशा, हमें तुम्हारी नसीहत के कोई अपना ख्याल रखिएगा भाईजान। जरूर उस मलिक अंबर की करतूत है। पहले पानी में जहर मिला दिया, अब हमारे अनाज में आग लगा दी। हमारी फौज खाएगी क्या और लड़ेगी कैसे? हम दक्खन आए थे चांद बीबी से लड़ने, लेकिन लड़ रहे हैं किसी मलिक अंबर से। क्या दुश्मनी है उसकी हमारे साथ? और अगर उसी से हारते रहे तो चांद बीबी तक कैसे पहुंचेंगे? हम अब्बू को क्या जवाब देंगे? हम उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे? अबुल फजल कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? अभी जाओ, अबुल फजल को ढूंढ कर लाओ, फौरन, इसी वक्त, फौरन जाओ। मुगल हुकूमत आपकी इस वफादारी को याद रखेगी मियां मंजू। कैसी वफादारी हुजूर? हम चांद बीवी के दरबार से हैं और उन्हीं से दगा कर रहे हैं। एक तरफ की दगाबाजी दूसरे खेमे के लिए वफादारी कहलाती है मियां मंजू। और वैसे भी इस दगाबाजी की आप पूरी रकम हासिल कर रहे हैं। बस एक बार हम चांद बीबी पे फतेह पा लें, फिर देखिएगा, इस दगाबाजी का अफसोस नहीं होने देंगे हम आपको। जीत के बाद उधर शहजादे दानियाल की तख्तपोशी मुकम्मल होगी और हमारे शाही दरबार में आपकी जगह। जी हुजूर, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। गौर से देखिए, इस किले का नक्शा है। इस नक्शे में हमने इस किले पे फतेह करने वाला रास्ता बनाया। सुमाल की तरफ से इस किले तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। वो क्यों? क्योंकि सुमाल के जंगल इतने घने हैं कि वहां जाने वाला अच्छे से अच्छा इंसान वहां भटक जाता है। इससे पहले कि वो रास्ता ढूंढे, उन्हें ढूंढ कर मार दिया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसी रास्ते से किले तक जाएं। लेकिन अभी तो आपने कहा कि वहां चांद बीबी की फौज होगी। चांद बीबी की फौज तो वहां होगी नहीं हुजूर। ये कैसे मुमकिन है? उसका इंतजाम हमने कर रखा है। हम चांद बीबी को ये बताएंगे कि आप किले के दूसरी तरफ से आने वाले हैं। आप अपनी फौज तैयार रखें, कल रात तक आपकी फौज किले के दरवाजे पे होगी। इंशाल्लाह, आपका तोहफा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
सलाम पाशा बेगम। अरे नीसा, आओ आओ, कैसी हो? आपकी दुआ है पाशा बेगम, काफी तैयारियां चल रही हैं आज। हाँ, ये सब जहांपनाह के लिए है। पहले दावत एक खास होगा, उसके फौरन बाद वो ठेना देखेंगे, जिसके लिए हमने खास कनीजों को चुना है। जब से जहांपनाह बीमार हुए हैं, मानो उनकी जिंदगी से सारे शौक गुम हो गए हैं। न शराब, न जश्न, न कनीज। हम भी वही सोच रहे थे पाशा बेगम। तुम्हें यहाँ बातें करने के लिए रखा गया है। बादशाह भी आते ही होंगे, जरा भी देर हो गई तो तुम्हारी गर्दन पर ये बातें करने वाला बेहुदा सर नहीं रहेगा। जाओ यहाँ से। पता नहीं हमारा पाला इन काम चोरों से कब छूटेगा। कैसी हो निशा? तुम्हारा नन्ना मुन्ना खिलौना कैसा है? बहुत खुश होंगी ना? जी आओ, ये तुम्हारे निकाह के लिए हमने कब से मंगवा कर रखे थे। सोचा जैसे ही तुम मायके आओगी हम तुम्हें बुलाकर दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा बेगम, पर हम ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। पर आज तक तुमने हमारा कोई तोहफा मना नहीं किया। जहांपनाह ने हमारे लिए शौहर ढूंढा, जाहिर है इसमें आपकी तो सलाह जरूर रही होगी पाशा बेगम। ये निकाह आप ही का तो दिया गया तोहफा है। और फिर आपने वो दो खादिम भी भेजे हमारी खातिर के लिए। खादिम? खातिर के लिए? क्या कर रही हो? कहां जा रही हो? दिखाई नहीं देता तुम्हारी अंधी आंखों को? जहां पर ना भी आएंगे उठाओ ये सब, चलो। रहने दो निशा, जाओ। तुम्हारी कमी हमें बहुत खलती है निशा, तुम्हारी जगह आज तक कोई नहीं ले पाया। कभी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कहना। और तुम्हारे शौहर कैसे हैं? उन्हें तो जरूर अपने जैसा ताकतवर और रोबीला बेटा चाहिए होगा, है ना? हमें तो बस ऐसी औलाद चाहिए जो प्यार के काबिल हो और जो दूसरों के जज्बातों की कद्र करना जाने, बिल्कुल शहजादे खुर्रम की तरह। पाशा बेगम, हम उनसे मिलने की उम्मीद लेकर आए थे, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ वक्त हम उनके साथ बिता लें। जरूर। थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा सा बुखार है, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम जाओ हमारे लिए शराब लेकर आओ। शराब नुकसान करेगी शहजादे, आपको आराम की जरूरत है। आपने हमें याद किया शहजादे दानियाल। कहां थे आप अबुल फजल? यहां हमारे फौजी और घोड़े मर रहे हैं और हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब ही नहीं है। फिलहाल आपको आराम की जरूरत है शहजादे, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आपको लगता है कि हमें अपनी तबीयत की पड़ी है? हमें इस जंग की फिक्र है। अभी तक हम दक्कन में कुछ नहीं कर पाए हैं। कुछ नहीं बिगड़ा है शहजादे, यकीन मानिए, खाने खनन ने हमारी मदद के लिए फौज की टोलियां मंगा ली। और बुलाओ, और मरेंगे। किले तक पहुंचने का रास्ता मिला? जी हजूर, चांदी बी के एक भरोसेमंद को हमने खरीद लिया है। अब हम सोची समझी चाल चलेंगे, बस इंतजार है तो आपके ठीक हो जाने का। हकीमिया, Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.